चलते हैं दोस्तों। देखिए कैरर आती है हमारे सामने, ये 0x8007025D। ये एरर किस वजह से आती है? जैसे हम विंडो करते हैं तो विंडो करते टाइम 15% पे जाके या 20% पे या 25-30 जितने भी जाके विंडो एरर कर जाती है। तो एरर क्यों करती है, किस वजह से करती है, इसका सोल्यूशन इस वीडियो में आपको पूरा मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे, आपका सोल्यूशन हो तो ज़रूर लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। और नीचे रेड सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल लैपटॉप सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आगे वीडियो देखते रहिएगा। देखिए मैंने विंडो का ये एरर निकाल दिया है। इस एरर का सोल्यूशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि मुझे परफेक्ट सोल्यूशन मिला इस एरर का, इसलिए वीडियो बनाया गया है। तो विंडो कर रहा हूँ, आप देखते रहिएगा, मैं कोई मतलब स्टेप है जो स्किप नहीं करूँगा ताकि आपको पूरा सोल्यूशन मिल सके इस एरर का। देखिए 4% पे विंडो आ चुकी है। जब मैंने विंडो स्टार्ट की तब 20 या 25% पे जाके विंडो डंप कर गई थी, ये एरर शो कर गई थी। काफ़ी बार होता है कि 70% पे भी डंप करके दिखा देती है, 55% पे भी दिखा देती है, बट ऐसा ये एरर आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा अगर आप इस वीडियो को देख के सोल्यूशन करेंगे तो। दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है कि ये एरर आता किस वजह से, उसके लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे हम विंडो बूट करते हैं, ISO फाइल बूट करते हैं, या फिर हम किसी और अन्य सॉफ्टवेयर से हम विंडो बूट करते हैं, कई बार CD में सीधा बूट करते हैं। आप CD से विंडो करोगे तो एरर बहुत कम आएगी, क्योंकि CD बूटेबल बनवाओगे तो एरर बहुत ही कम आएगी। कोई रेयर चांस है कि आपके एरर आ जाए, वो भी सिर्फ CD की कोई फाइल मिस होने से, क्रैश होने से तभी एरर आ सकती है। अगर आप पेन ड्राइव से विंडो बूट कर रहे हैं और फिर ये एरर आती है तो आपके सामने ये एरर आती है सिर्फ कोई फाइल मिस होने से, ताकि पेन ड्राइव में बूटेबल जो विंडो है वो आपने किसी और सिस्टम में लगा दी उसके बाद कर रहे हैं, तो वो बूटेबल पेन ड्राइव वायरस से क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से ये एरर आ जाती है। तो विंडो कैसे बनानी है उसके बारे में आपको सुना रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। विंडो बनाने के लिए हम ISO फाइल उठाते हैं काफ़ी बार, या रूफ से उठाते हैं। रूफ जो सॉफ्टवेयर होता है बूटेबल बनाने के लिए, मैंने दिखाया था आपको, एक वीडियो है हमारे चैनल पर जब बूटेबल पेन ड्राइव 8.1 विंडो बनाने के लिए, 10 बनाने के लिए और 7 बनाने के लिए, सभी की एक एक वीडियो डाल रखी है कैसे बूटेबल करते हैं। तो रूफ में हम विंडो बूटेबल करते हैं तो ये एरर नहीं आती है, क्योंकि काफ़ी बार अलग अलग सिस्टम होते हैं जो सपोर्ट भी नहीं करते हैं। कोई रूफ से सपोर्ट करता है विंडो को या फिर ISO फाइल से। अगर आपने रूफ से विंडो बना रखी है फिर ये एरर आती है, तो आप अपनी बूटेबल पेन ड्राइव में ISO से विंडो बना के बूटेबल वो डाल लें, आपको एरर का सोल्यूशन मिल जाएगा। या फिर दोस्तों एक होता है कि आप रूफ अगर रूफ से लग जा रही है उसमें एरर आती है, तो आप रूफ से ट्राई करें। प्रॉब्लम ये होती है कोई ना कोई फाइल मिस हो जाती है या फिर कोई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है, उसी की वजह से विंडो क्रैश कर जाती है और ये एरर दिखाई देता है। ये एरर कोई टेक्निकल एरर नहीं है जो मतलब सिस्टम दे रहा हो, ये अपनी पेन ड्राइव या CD से ही होता है जो विंडो करते टाइम आ जाता है। ये नहीं है कि आप हार्ड ड्राइव ख़राब हो रखी है या रैम ख़राब हो रखी है उसकी वजह से ये एरर आ रहा है, या फिर सिस्टम के किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो एरर आ रहा है। ये एरर सिर्फ और सिर्फ अपनी बूटेबल पेन ड्राइव या CD का ही होता है, जिसकी वजह से ये विंडो बीच में डंप करके ये एरर दिखा देती है। इसको दोबारा से बंद करके आप एक बार ट्राई करेंगे तो क्या पता कि आपकी विंडो इसी भी विंडो से हो जाए जो आप में लगे हुए हैं, पेन ड्राइव या CD से हो भी सकती है। वरना ना हो तो आप अलग से एक बूटेबल पेन ड्राइव बूट कर लें ISO से, उससे करें, या फिर CD बूट कर लें। CD में सबसे सेफ होता है कि CD आपकी क्रैश नहीं होती है, बहुत रेयर चांस होता है कि CD क्रैश हो। अगर CD घिस गई हो, ख़राब ही हो जाती है तो उसका कुछ कह नहीं सकते हैं, बट CD बेस्ट चॉइस है विंडो करने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि समझ में आ ही गया होगा आपको कि एरर क्यों आती है, ये विंडो चल रही है जैसे कि आप साथ साथ देख रहे हैं, 42 तक आ चुकी है, मैंने कोई स्टेप स्किप नहीं किया इसका, प्रॉपरली 75 तक चलेगी, देखती रहिएगा कंप्लीट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको सोल्यूशन पूरा मिलेगा इस वीडियो से। तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई सूचना के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बाय बाय।